दोस्तों, आज की कहानी एक राजा और उसकी वजीर के ऊपर बनाई गई है कि कैसे उसे राज्य में एक बुद्धिमान वजीर की जरूरत आन पड़ती है और राजा किस तरह से पूरे राज्य में से छांटकर एक बहुत ही चतुर और चालक वजीर निकालता है। राजा किस तरह से तीन व्यक्तियों में से एक काबिल वजीर का चयन करता है। तो दोस्तों, इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में नमो बुद्धाय लिखकर कहानी को ध्यान से पूरा सुने। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं बिना देरी के। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा राज किया करता था। एक दिन उस सम्राट के पुराने वजीर की मृत्यु हो गई। वजीर बहुत बुद्धिमान था। वह हर विषय में राजा को मंत्रणा दिया करता था। राजा जब भी किसी मुसीबत में फंसता था, उसका वजीर सदैव उसके लिए समस्या का समाधान खोज देता था। लेकिन उसकी अचानक मृत्यु हो जाती है, राजा को इस बात का बहुत सदमा लगता है। इतना चतुर एवं चालक वजीर को उसने खो दिया था। वह बहुत उदास रहने लगता है। उसे अपने वजीर की कमी बहुत खलती है, इसलिए अब नए मंत्री की तलाश शुरू की जाती है। सम्राट का साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए उसे संभालने के लिए एक बुद्धिमान और दूरदर्शी वजीर की जरूरत थी। पूरे राज्य में सबसे बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति की तलाश शुरू हो जाती है। इसके लिए राज्य भर में कई तरह की परीक्षाएं आयोजित की गईं। पूरे राज्य से विचारशील और बुद्धिमान व्यक्तियों को चुना गया और फिर उनकी और भी कठिन परीक्षाएं ली गईं। और अंत में केवल तीन चुने हुए व्यक्तियों को राजधानी लाया गया ताकि सम्राट उनकी अंतिम परीक्षा ले सके। उन तीनों को एक कमरे में रखा गया और इसकी घोषणा स्वयं सम्राट ने की थी कि कल उनकी अंतिम परीक्षा ली जाएगी और जो इसमें उत्तीर्ण होगा उसे राज्य का वजीर घोषित कर दिया जाएगा। परंतु आश्चर्य की बात थी कि शाम होते होते यह बात सारी राजधानी में फैल गई। सम्राट कल कौन सी परीक्षा लेने वाला है, सारे शहर में इसी बात की चर्चा होने लगी। लोगों में यह कानाफूसी होने लगी कि राजा एक बहुत ही अजीब परीक्षा लेना चाहता था, जिसमें यह सुनने में आया कि कल सुबह उन तीनों को महल के एक बड़े कमरे में बंद कर दिया जाएगा और एक बड़ा ताला लगा दिया जाएगा। उस कमरे का दरवाजा और वह ताला उस राज्य के कारीगरों, गणितज्ञों और इंजीनियरों द्वारा बनाया गया था। उस ताले पर कोई चाबी नहीं थी, केवल लकड़ी पर गणित के कुछ अंक लिखे हुए थे और उन अंकों में कोई पहेली छिपी हुई थी। जो उस पहेली को हल कर लेगा वही उस ताले को खोल पाएगा। धीरे धीरे यह बात उन तीनों तक भी पहुंच गई कि कल उन तीनों को एक कमरे में बंद कर दिया जाएगा और वहां ताला लगा दिया जाएगा। इसकी कोई चाबी नहीं है, बस उस ताले पर गणित के कुछ नंबर खुदे हुए हैं जिसमें एक पहेली छिपी हुई है। उन तीनों में से जो भी उन नंबरों का उपयोग करके पहेली को हल करेगा और सबसे पहले दरवाजा खोलेगा और कमरे से बाहर आ जाएगा, उसे वजीर बना दिया जाएगा। यह सुनते ही तीन में से दो व्यक्ति बाजार की ओर भागे और ताले के बारे में जितनी भी गणित की किताबें मिल सकती थीं, वे सब ले आए और उनका अध्ययन करने लगे। लेकिन तीसरा व्यक्ति सबसे अजीब था। वह न तो कहीं गया और न ही कोई किताब लाया और अंधेरा होते ही सो गया। बाकी दोनों ने सोचा कि शायद डर के मारे उसने परीक्षा न देने का निर्णय लिया है, या हो सकता है उन्हें विश्वास ही न हो कि जो खबर सामने आई है वह सच है। लेकिन फिर भी उन्होंने कोई मौका छोड़ना ठीक नहीं समझा, क्योंकि यह जीवन में एक बार मिलने वाला मौका था। वे पूरी रात जागकर किताबें पढ़ते रहे। ताला विज्ञान से संबंधित जो भी साहित्य था वो सब उन्होंने पढ़ डाला। जब सुबह हुई तो तीनों व्यक्ति उठे और उन तीनों को सम्राट के सामने पेश किया गया। वहां उन्हें पता चला कि यह अफवाह सच थी। उन तीनों को एक बड़े कमरे के अंदर बंद कर दिया गया था जिसके बाहर ताला लगा हुआ था।
कुछ गणितीय अंकों के साथ अंकित आप तीनों में से जो भी इन अंकों में छुपी पहेली को सुलझा लेगा वह दरवाजा खोल सकेगा और जो दरवाजा खोलकर पहले मेरे पास आएगा मैं उसे अपना वजीर बना लूंगा। मैं बाहर आप तीनों का इंतजार करूंगा। इतना कहकर बादशाह चला गया। वे दोनों व्यक्ति जिन्होंने पूरी रात पढ़ाई की थी कुछ किताबें लाए थे। दरवाजा बंद होते ही उसने अपने कपड़ों में छुपी हुई उन किताबों को बाहर निकाला और ताले पर लिखे नंबरों को एक कागज के टुकड़े पर लिखकर उनका हल ढूंढने लगे। लेकिन तीसरे व्यक्ति ने कुछ नहीं किया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कमरे के कोने में चुपचाप बैठ गया। उसे बैठा देखकर वे दोनों हंस पड़े और ताना मारते हुए बोले, क्या तुमने हार मान ली? कुछ करो तो कुछ होगा। उन्हें लगा कि उसने हार मान ली है, वह डरा हुआ है और कुछ भी प्रयास नहीं करना चाहता। लेकिन उसके मन में शांति थी, स्थिरता उसकी आंखों में झलक रही थी। वह परेशान नहीं लग रहा था, वह बैठा हुआ था। तभी अचानक उसे कुछ सूझा। वह उठकर दरवाजे के पास आया और धीरे से उसे धक्का दिया और क्या, दरवाजा खुल गया। वह कमरे से बाहर चला गया। लेकिन दोनों आदमी अपनी किताबों में खोए हुए थे। उन्हें पता ही नहीं चला कि तीसरा कमरे से बाहर चला गया है। उन्हें तब पता चला जब सम्राट तीसरे व्यक्ति के साथ अंदर आए और कहा, अपनी ये किताबें बंद करो, जिसे बाहर जाना था वह तो बाहर जा चुका है। यह देखकर वे दोनों दंग रह गए और पूछा, तुम बाहर कैसे निकले? बादशाह ने कहा कि ताला तो बंद था ही नहीं, क्योंकि बंद ताले तो खोले जा सकते हैं, लेकिन तुम वह ताला कैसे खोलोगे जो बंद ही नहीं किया गया है? यह आदमी आप में से सबसे बुद्धिमान है, क्योंकि इसने बुद्धिमान होने का पहला परिचय दिया है। ताले पर लिखे नंबरों को हल करने से पहले यह पता लगाने की कोशिश करता है कि ताला बंद है या नहीं। यह आदमी वास्तव में होशियार है, जो किसी भी समस्या को हल करने से पहले यह जांचता है कि जो वह हल करने जा रहा है वह वास्तव में समस्या है या नहीं। तो यह आदमी हमारे राज्य का सबसे चतुर व्यक्ति है। हम इसे अपना वजीर नियुक्त करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से यही सीखने वाली बात है कि जब भी हमें लगे कि हमारे सामने कोई बड़ी समस्या है तो घबराकर उस समस्या का समाधान ढूंढने की बजाय हमें शांति से सोचना चाहिए कि जो मैं समझ रहा हूँ वह वास्तव में समस्या है या नहीं, या वास्तविक समस्या कुछ और है जो मैं अभी नहीं देख पा रहा हूँ। दोस्तों, यह बात हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। अगर जीवन में कोई समस्या आ जाती है तो हमें समस्या से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि शांत रहकर उसे समस्या के बारे में सोच विचार करना चाहिए और यह भी पता लगाना चाहिए कि जिसे हम समस्या समझ रहे हैं वह वास्तव में समस्या है भी या नहीं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। हमारे चैनल पर ऐसी बहुत सी कहानी आती रहती हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर दें। कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूले। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।